पूछना था कि जैसे किसी को हीलिंग देते तो कितनी हीलिंग देनी चाहिए, तक उसको कितनी हीलिंग में उसको असर आएगा, थोड़े मालूम पड़ेगा। जैसे किसी को डिप्रेशन है या एंग्जाइटी रहती है तो कितनी हीलिंग में ठीक होगा मतलब। देखो, अगर किसी को डिप्रेशन और एंजाइटी है ना, तो उसको आप हीलिंग दें, 3-4 हीलिंग के बाद आपको उसमें असर नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा ना, आप उसको चार्ज वाटर दें, उसमें ना अफर्मेशन डाल के उसको चार्ज वाटर दें, वो उनको ना जैसे वो ज्यादा दूसरे इफेक्ट। सिटी में रहता हो तो चार्ज वाटर कैसे देंगे? उनको बोले पानी का वो ग्लास आपके सामने रखें, आप उसे जूम के साथ कनेक्ट हो या वीडियो कॉलिंग के साथ कनेक्ट हो, पानी का ग्लास आपके सामने रखा होगा, आप वहां पे जरा वो हॉन्चो जैसे से कनेक्ट होके उस पानी को हीलिंग दे, अफर्मेशंस दे, और फिर उनको बोले कि इस पानी को बॉटल में, कांच की बॉटल में डाल के रखे, या तो मिट्टी के बर्तन में डाल के रखे। सबसे बेस्ट, अब मिट्टी का बर्तन सबसे बेस्ट होता है, लेकिन आजकल सब जगह पे नहीं भी होता मिट्टी का बर्तन, तो आप कांच के बर्तन भी यूज करें, क्योंकि मेरे ख्याल से बाहर इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा मिट्टी का बर्तन, तो आप उसको कांच की बॉटल दीजिए। ठीक है, कांच की बॉटल में डालें उसको, व्हाइट कलर की कांच की बॉटल है, और अगर आपको लगता है कि उसको हार्ट चक्र से प्रॉब्लम है या रूट चक्र से प्रॉब्लम है, तो कलरफुल कांच की बोतलें भी मिलती हैं, तो जो आपके चक्र का कलर है उस कलर की बॉटल में भी आप उसको वो पानी डाल दें, उसको बोले रख लें, और जैसे वो थोड़ा पानी रह जाएगा तो वो उसमें और पानी डाल के, और अपने भगवान जिसको भी मानते हैं उसका नाम लेके उस पानी को पीता जाए। आप उसको हफ्ते में एक दिन ऐसा कर लीजिए कि मैं तुम्हें हफ्ते में एक दिन पानी चार्ज करूंगा, या 3-4 दिन में एक बार पानी चार्ज करूंगा, तो वो पानी जरा जरा जब इतना रह जाएगा ना, तो उसमें वो और पानी डाल देंगे, जैसे चरना अमृत होता है, इतना पानी रह जाता है तो फिर और उसमें पानी डाल देते हैं तो वो हो जाता है ना, तो ये भी एक प्रकार का चरना अमृत ही है ना। आपकी अफर्मेशंस आप उसमें दे रहे हो, आप उसको हील कर रहे हो उस पानी को, और यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आप उस पानी को हील कर रहे हो, है ना, तो वो भी एक तरीके का चरना अमृत बन गया। तो आप मैडम, हार्मोनल बैलेंस इम्बेलेंस के लिए और डायबिटीज के लिए कौन से चक्र पे ज्यादा काम करना चाहिए? जैसे सोलार प्लेक्सस का मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, सोलार प्लेक्सस पे हम डायबिटीज के लिए और कर सकते हैं, हाँ, लेकिन सोलर प्लेक्सस हार्मोनल पे कर, इम्बेलेंस के लिए कहाँ पे करेंगे? हार्मोनल इंबैलेंस के लिए भी आप सोलर प्लेक्सस पे हीलिंग करेंगे, आप ये क्या कहते हैं हार्ट चक्र पे हीलिंग करेंगे, रूट चक्र पे हीलिंग करेंगे। तो उसमें कितना टाइम लगेगा? जैसे मैं हीलिंग करता हूँ तो देखो, हीलिंग का मैंने कुछ बोला ना कि टाइम का कुछ वो नहीं होता, किसी को कम में भी नहीं होता, रिजल्ट आ क्योंकि जाता है, जब किसी आप को कम मैडम में भी। मैंने ना आपके आशीर्वाद से मैंने मेरे को जो चेंज आया, मैंने एस्ट्रोलॉजी का काम तो बहुत कम कर दिया है, आप विश्वास नहीं करोगे, और हीलिंग का ही मैंने काम शुरू किया है। तो मेरे को ये जानना था कि जैसे भी सामने वाला पूछेगा ना कि क्या नाम से कितना टाइम लगेगा, कितनी हीलिंग के पैसे देने हैं आपको, अभी तो मैं खैर ले नहीं रहा हूँ, लेकिन लोग पूछते हैं कि मतलब कितने हीलिंग्स में आप ठीक करोगे, ये बात है ना। वैसे आपके आशीर्वाद से मैडम मैंने दो लोगों को ठीक किया है, मैंने डिप्रेशन में थे, काफी डीप डिप्रेशन में थे वो, तो अच्छा, एक लड़की तो सुसाइड करने वाली थी, जबलपुर से थी, तो उसको मैंने ना किया था, तो उसको बहुत आराम मिला, और 3 हीलिंग के बाद उसने बोला कि मेरा एकदम ठीक है, अब मेरे कोई सा वैसे थॉट्स नहीं है, रिलेशनशिप ब्रेकअप था उसका, लेकिन उसको उसको 3 हीलिंग में आराम मिल गया। दूसरे को मैंने किया तो उसको 1 हीलिंग में तो आराम मिला, दूसरे हीलिंग में आराम नहीं मिला, तो वो बोला भैया आपको मैं पैसे नहीं दूंगा, बोला मैंने पैसे की कोई बात नहीं, मेरे को नहीं चाहिए पैसे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितनी हीलिंग्स करें कि सामने वाले को मतलब रिजल्ट नजर आए ना, क्योंकि लोग तो पूछते हैं, अगर मैं इसको प्रोफेशन के रूप में लेता हूँ तो वो पूछेगा ना कितनी हीलिंग में ठीक करोगे तुम, तुमको मालूम होना चाहिए। देखो, पैसे तो आपको खुद ही डिसाइड करने के, आपको कितना पैसा लेना नहीं है। नहीं लेकिन पैसे की बात नहीं है, जैसे सामने वाला तो पूछेगा ना कि आपको कितने पैसे दें, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको बताना पड़ेगा ना कि आपको 4 हीलिंग में उनको फर्क बोले कि आप क्या एक है। हफ्ता हीलिंग लेके देखें, उसके अच्छा बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले एक हफ्ता आप उसकी हीलिंग करेंगे ना, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा, आपको भी तो उस एनर्जी के साथ कनेक्शन होगा ना, तो आप भी समझ पाएंगे। ठीक है, समझ रहे ना आप मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? जी, मतलब 1 वीक के बाद ही बता सकते हैं कि क्या होगा क्या हाँ, नहीं होगा। आपको खुद मालूम चल जाएगा ना। जैसे आपने बोला कि वो एक व्यक्ति को 3 दिन में आराम आ गया, तीन हाँ दिन वो में आराम आ गया, तो उसको जरूरत लड़की नहीं जो है। सुसाइड करने वाली थी, उसने हाँ, मेरे मैं आपको मैसेज भी सेंड कर, लेकिन उसका नाम मतलब पता चल जाएगा, इसके लिए मैं नहीं दे रहा हूँ, फोटो कोई बात भी है नहीं। उसकी और वो भी है, तो उसमें उसने लिख के दिया है कि है ना आपकी हीलिंग से मुझे फायदा हुआ है, फर्स्ट हीलिंग में उसने बोला, थर्ड हीलिंग में उसका मैसेज आया कि आपका मतलब हीलिंग से मेरे को काफी आराम हो गया, अब जरूरत नहीं है मुझे, मेरे को काफी आराम है। तो लेकिन वही मैंने जब दूसरे की तो वो है ना मतलब अग्रेशन के लिए मैं कर रहा था,
अग्रेशन उसमें तो बहुत उसको ज्यादा बोलना होता था ना कि तुम एग्रेशन की हीलिंग ले रहे हो, तो वो तो उभर के आएंगे ना तुम्हारे इमोशंस, तुम्हें और भी गुस्सा आएगा थोड़े दिन, उसके बाद जाके सेटल होंगे। ठीक तो है, अग्रेशन बढ़ गया उसका अग्रेशन फिल्मिंग के ऊपर। बढ़ेगा ना इमोशंस और ऊपर उभर के ऊपर आएंगे ना। नहीं, और अगर उसका आपने कुंडली देखोगे तो उसका हो सकता है मून का कुछ होगा, मून का कुछ होगा। वो कुंडली नहीं दिया उसने, उसने बोला आप हीलिंग ही करोगे, कुंडली जाओगे तो फिर उस ग्रह का कुछ कर दोगे, ऐसा करके उसने दिया नहीं। उसने बोला कि आप खाली मेरे को हीलिंग करो, ये इश्यू है मेरे को, आप देखो अभी। तो फिर मैंने उसको किया था, तो उसको रिजल्ट तो आ गया। दूसरा जो हार्मोनल इम्बेलेंस का था ना, वो मैंने जो डायबिटीज के लिए किया ना, तो हालांकि जिसका मैंने किया ना उसको भी रेकी आती है, अच्छा, रेकी आती है उसको, उस लेडी को। लेकिन जब मैंने उसको किया ना, तो उसने मतलब 1 वीक के बाद अपना टेस्ट कराया होगा, तो बोला कि ज़्यादा आप फेवरेबल नहीं आ रही है रीडिंग में, ये बोला उसने। मैं बोला कि अच्छा, तो मैं पूछता हूँ अभी क्या क्या चक्र पे, कौन से चक्र पे क्या क्या करना है, पूछ लेता हूँ मैं। नहीं आप इस मैडम, टाइप ऐसा आप की, कुछ नोट देने वाले हो क्या, मतलब इस बीमारी के लिए यहाँ यहाँ हील करना है, या ऐसा कुछ देने वाले हो? तो लेवल 3 में तो ऐसे कोई है नहीं नोट्स, मैं आपको बताऊं। नहीं, मेरे को खाली पूछना है, जैसे जैसे पर्टिकुलर बीमारी के लिए इस पॉइंट पे एनर्जी देनी है, या इस बीमारी के लिए यहाँ देनी है, मैं पूछ रहा था जैसे। नहीं ये ना, जब आप लोग आप करोगे ना, आपको धीरे धीरे इस चीज के बारे में मालूम चलेगा। लेकिन वो भी हमारे होते हैं, पर वो फिर हमारे आगे का प्रोसेस है, अभी का नहीं है उसमें। अभी तो जितना है वो यही है। अभी आपको सारे सिंबल्स हम बता देंगे, जो जो सिंबल्स आपको सिखाएंगे वो सिंबल्स भी आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको करने हैं, यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं। ठीक है, लेकिन जो लेवल आप बता रहे हैं ना, एक एक पॉइंट पे बताइए ये सब, वो फिर काफी आगे का लेवल है, तो अभी उसमें समय है। तो ये ग्रैंड मास्टर में कवर होगा कि आगे का कोई और कोर्स है? नहीं वो ग्रैंड मास्टर में अच्छा, कवर नहीं होता उसका।